मौजूदा चैंपियन और पॉइंट्स टेबल में टॉप पर चल रही गुजरात टाइटंस का मुकाबला आईपीएल में जब लखनऊ सुपर जायंट से होगा तो इस मैच में पंड्या भाइयों की टक्कर देखने को मिलेगी। गुजरात ने पिछले मैच में लखनऊ को 7 रन से हराकर जीत हासिल की थी। वहीं लखनऊ अब अपने घर की हार का बदला जीटी को उसके घर में हराकर लेना चाहती है। गौतम गंभीर से लड़ाई के बाद विराट कोहली ने बीसीसीआई को लिखा लेटर। विराट ने लिखा कि मैंने किसी को कुछ गलत नहीं बोला। दरअसल 1 मई को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में एलएसजी और आरसीबी के बीच मुकाबले के बाद पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर और नवीन उल हक के साथ विराट की तीखी बहस हुई, जिसके बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने तीनों पर जुर्माना लगा दिया। विराट ने बीसीसीआई को लिखे लेटर में नवीन उल हक की शिकायत भी की है। दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज एनरिक नौरकिया इमरजेंसी काम की वजह से आईपीएल का 50वां मैच नहीं खेल पाएंगे। नौरकिया के घर लौटने की खबर पर मुहर दिल्ली फ्रेंचाइजी ने ट्वीट कर लगाई है। अपने शेयर किए ट्वीट में उसने नौरकिया के घर लौटने की वजह पारिवारिक इमरजेंसी को बताया है। दिल्ली कैपिटल्स के लिए ये न्यूज किसी झटके से कम नहीं है। आईपीएल फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स की पहल पर शुरू हुई सुपर किंग्स अकेडमी ने अपने पहले विदेशी वेंचर की घोषणा की है, जिसका सेंटर यूके के बर्कशायर में होगा। भारतीय टीम के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज दीपदास गुप्ता एकेडमी में मेंटर की भूमिका निभाएंगे। सीएसके का ये छठा सेंटर है जिसका टारगेट क्रिकेट में टैलेंटेड लड़के लड़कियों को ट्रेनिंग देना है। टीम इंडिया में धमाकेदार तरीके से वापसी करने वाले अजिंक्य रहाणे की पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली ने सराहना की है। गांगुली के मुताबिक डब्ल्यूटीसी के फाइनल में रहाणे जोरदार प्रहार करेंगे। रहाणे एक शानदार खिलाड़ी हैं। आपको बता दें कि रहाणे की 18 महीने बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी हुई है। डब्ल्यूटीसी का फाइनल 7 जून से इंग्लैंड के ओवल में खेला जाएगा। अफगानिस्तान के दिग्गज लेग स्पिनर राशिद खान ने एक बड़ा खुलासा किया है। राशिद ने कहा कि उनके देश में 1000 से ज्यादा लोग स्पिनर हैं और हर कोई उनकी तरह बनना चाहता है। राशिद खान के मुताबिक अफगानिस्तान में उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। राशिद ने यह बयान आईपीएल के एक मैच के दौरान दिया। भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी आकाश चोपड़ा ने अफगानिस्तान क्रिकेट को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। आकाश के मुताबिक अगर अफगानिस्तान की टीम लखनऊ में ज्यादा मैच खेलेगी तो उसे इकाना की कंडीशन का पूरा फायदा मिलेगा और टीम ओडीआई वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। आकाश ने आगे बताया कि अफगानिस्तान के पास राशिद खान, मुजीबुर रहमान और नूर अहमद जैसे स्पिनर हैं जो लखनऊ की पिच का पूरा फायदा उठा सकते हैं। टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने जितेश शर्मा की जमकर तारीफ की है। जितेश पंजाब किंग्स की तरफ से खेलते हैं। रवि शास्त्री ने बताया कि जितेश आईपीएल के कोच हैं और वो चोटिल ऋषभ पंत की जगह ले सकते हैं। जितेश मैदान पर निडर होकर खेलते हैं, साथ ही उनकी विकेट कीपिंग भी कमाल की है। जितेश का अभी तक इंटरनेशनल डेब्यू नहीं हुआ है। कप्तान बाबर आजम के शतक की मदद से पाकिस्तान ने चौथे वनडे मैच में न्यूजीलैंड को 102 रन से करारी शिकस्त देकर सीरीज में 4-0 की बढ़त हासिल कर ली है। इसके साथ ही पाकिस्तान वनडे में नंबर 1 टीम बन गई है। पाकिस्तान के कप्तान बाबर ने 117 गेंदों पर 107 रन बनाए, जो उनका वनडे में 18वां शतक है। उनकी इस पारी की बदौलत पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 334 रन बनाए, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड 232 रन पर ऑल आउट हो गई। न्यूजीलैंड के स्पिनर एजाज पटेल ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर मैथ्यू कुनेमन के रिप्लेसमेंट के तौर पर डरहम से जुड़े हैं। कुनेमन को ग्लेमॉर्गन के खिलाफ खेलते हुए पीठ में चोट लगी थी, जिसके बाद वो बाहर हो गए हैं। 34 साल के पटेल अगले हफ्ते यॉर्कशायर के खिलाफ मैच से पहले डरहम से जुड़ेंगे। जिंजू में आयोजित एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत का जलवा। बिंदिया रानी देवी ने 194 किलो वेट उठाकर जीता सिल्वर मेडल। कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल विजेता ने अपने पहले 2 स्नैच में 163 किलो का वजन उठाया। इसके बाद क्लीन एंड जर्क में अच्छा प्रदर्शन करते हुए सिल्वर अपने नाम किया। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में खेले गए एशिया कप के दूसरे राउंड में भारतीय तीरंदाजों ने कंपाउंड और रिकर्व इवेंट में कुल 14 मेडल जीते। भारतीय कंपाउंड तीरंदाजों ने 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल समेत 14 में से 9 पदक पर कब्जा जमाया।